नूरपुर क्षेत्र की दो भिन्न भिन्न पंचायतों डन्नी व कुलाहन की दो अलग अलग समुदाय के बालिक प्रेमी युगल की शादी भारी अंतर्विरोध के चलते आखिर एक सप्ताह के बाद परवान चढ़ पाई है। लड़का हिंदू धर्म और लड़की मुस्लिम धर्म से संबंध रखती है। पिछले काफी समय से दोनों आपस में प्यार करते थे और एक साथ जीने मरने की कस्में खाते हुए उन दोनों ने हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी कर ली। लेकिन गैर धर्म में हुई शादी पर लड़की पक्ष का विरोध था, जिसमें लड़की पर भारी दबाव भी बनाया गया। लेकिन इस शादी के भारी विरोध में हाई वोल्टेज ड्रामे के बावजूद लड़की ने अपने पति का साथ देते हुए अपने माँ बाप के घर को छोड़ प्रेमी के साथ जाने का दो टूक फैसला लेकर मामले को सुलझाया। इस हाई वोल्टेज ड्रामे की शुरुआत 20 सितंबर को तब शुरू हुई जब डन्नी क्षेत्र की लड़की ने अपने घर वालों को अलविदा कहकर कुलाहन पंचायत के हिंदू लड़के के साथ शादी कर ली। लेकिन लड़की पक्ष के लोगों द्वारा गैर धर्म में हुई इस शादी पर भारी एतराज के चलते मामला नूरपुर पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस ने उपमंडलीय मैजिस्ट्रेट से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर लड़के के घर जाकर दबिश देते हुए लड़की को अपने साथ ले आई और लड़की उनके मायके पक्ष के हवाले कर दी। इस दौरान लड़की पर भारी दबाव भी बनाया गया, लेकिन अंततः लड़की ने अपने पति का साथ देते हुए शादी में हो रहे इस विरोध को दूर किया। इस दौरान लड़के ने भी सारे मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों के समक्ष कर दी, जिसमें लड़के ने दलील देते हुए बताया कि दो बालिक जब स्वेच्छा से शादी कर रहे हैं तो उसमें कोई अन्य पक्ष जबरदस्ती क्यों कर रहा है। लड़की ने पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को भी एक तरफा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ उपमंडलीय मैजिस्ट्रेट के समक्ष स्वेच्छा से शादी करने और अपने पति के साथ रहने के बयान दर्ज करवा चुकी है, तो ऐसे में लड़की वाले पुलिस की मौजूदगी में उसे अपने घर क्यों ले गए और शादी से मुकरने का दबाव बनाते रहे। लड़के द्वारा मामला उच्च स्तर पर पहुंचाने के बाद पुलिस ने लड़की को उसके मायके पक्ष से लेकर जाकर उसके पति के घर पहुंचाया। लड़के के माता पिता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संबंध में थाना प्रभारी नूरपुर मोहनलाल भाटिया ने फोन पर बताया कि प्रशासन द्वारा प्रोडक्शन वारंट जारी होने के कारण उक्त नव दंपत्ति को लाया गया था तथा लड़की द्वारा अपने पति के साथ रहने के चलते ही उसे उसके पति के पास पहुंचा दिया गया है। पुलिस द्वारा सारी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत ही की गई है। जिला कांगड़ा विधानसभा फतेहपुर के एक युवक नीरज शर्मा, जो किसी फार्मा कंपनी में ऊंचे ओहदे पर तैनात थे, उनकी शादी पठानकोट की रहने वाली एक पढ़ी लिखी लड़की अलका शर्मा से बड़ी धूमधाम से हुई। अलका भी ससुराल में आकर एक बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह खुशी खुशी रहने लगी। कुछ सालों बाद इस दंपत्ति के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। सारा घर खुशियों से भर गया। पुत्र प्राप्ति के बाद अलका पूरी तरह से बेटे की देखभाल व लालन पोषण में बड़ी तमन्ना से जुट गई। पूरा घर खुशियों से भरा पूरा था, लेकिन बेटे को संसार में आए कुछ समय ही हुआ कि एक दिन अचानक अलका को पता चलता है कि उसका बेटा सामान्य नहीं है बल्कि वो दिव्यांग है और खुद कुछ भी करने में असमर्थ है। बेटे आयन के इलाज के लिए नीरज ने जमीन आसमान एक कर दिया, परंतु वो ठीक ना हो सका। अब अलका दिन रात बेटे की देखभाल करने लगी और उसे लेकर चिंतित रहने लगी। एक रात जब अलका का बेटा गोद में लेकर सुलाने की कोशिश कर रही तो उसे ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने बेटे और खुद को जहर देकर ये सब खत्म ही कर दूं। अलका ने अभी ये निर्णय लिया ही था कि अचानक आयन रोने लगा और फिर पता नहीं अलका के मन में क्या आया और उससे उसी दिन से एक प्रण ले लिया कि हम तो साधन संपन्न लोग हैं और आयन जैसे बच्चे को ठीक से देखभाल कर सकते हैं। लेकिन उनका क्या जिनके पास अपने ऐसे बच्चों को पालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो अलका ने उसी क्षण ये तय कर लिया कि वे प्रदेश में जितने भी इस तरह के बच्चे हैं वो उनकी देखभाल करेगी और उनका समय समय पर होने वाला इलाज भी करवाएगी। उसने ये बात अपने पति नीरज को बताई। नीरज अलका की बात से एकदम सहमत हो गया, लेकिन दिक्कत इस काम में बहुत पैसे वो बिल्डिंग की जरूरत थी, तो इतना पैसा नीरज कहाँ से जुटा पाता। लेकिन अलका की जीत के आगे उसे अब ये करना था। तो दोनों ने अपने माता पिता की सलाह से अपने घर की ऊपर वाली मंजिल को ऐसे बच्चों के आश्रम में तब्दील कर दिया, जिसमें नीरज ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी और अलका ने एंजल दिव्यांग अनाथ आश्रम नाम से शुरुआत कर दी।
दोस्तों अलका का हौसला और ऐसे बच्चों के प्रति प्यार वो दुलार देखते ही बनता है। देखते देखते अलका के पास लगभग 63 बच्चों का एक ऐसा समूह हो गया जो किसी न किसी तरह से दिव्यांग है। अलका अपने बेटे आयान के साथ साथ बाकी सभी बच्चों का पालन पोषण ठीक वैसे ही करती थी जैसे वो अपने आयान को करती थी। आज अलका ने कई तरह के प्रोफेशनल लोगों को आश्रम में सहयोग के लिए रखा है, जिनमें कोई डॉक्टर तो कोई अन्य काम देखने वाले लोग। अलका के इस आश्रम की साफ सफाई व व्यवस्था देखती ही बनती है। आज तक लगभग सभी आश्रमों में गया हूँ। हिमाचल के पर जो व्यवस्था अलका ने अपने बनाए आश्रम में की है वो कहीं और मैंने नहीं देखी। अलका आज खुश है। हालांकि इतने बड़े लेवल पर आश्रम को चलाने के लिए फंड की जरूरत है तो वो नीरज अपनी सारी खूबसूरत व्यवस्था के साथ चला सकती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती और प्रत्यक्ष सामने था। आज अलका सच में एक नहीं बल्कि कई दिव्यांग बच्चों की माँ है और वो ममता उसके चेहरे से साफ साफ झलकती है। उसके अलावा हमें थोड़ी स्पेस की कमी है। अभी तक तो जितना हमारे पास है स्पेस, अभी हम चाहते हैं कि जितने बच्चे हमने लिए हैं उनको अच्छे से हम उनका ट्रीटमेंट करें, ज़्यादा ना लें। पर जैसे कि अभी पता चल रहा है कि बड़े ज़्यादा बच्चे हैं यहाँ पे और ज़्यादा आ रहे हैं तो किसी को मना भी नहीं कर पा रहे हम, तो अभी एक्स्ट्रा सोच रहे हैं स्पेस के लिए कि क्या किया जाए। अगर सरकार तक मेरी ये बात पहुंचती है तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि हमें थोड़ी सी स्पेस की कमी हो रही है तो प्लीज़ हमारी मदद करें। और बस थैंक यू।